दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारे सोलर सिस्टम के शुरुआती दौर में मार्स सन से फोर्थ नहीं बल्कि फिफ्थ प्लैनेट हुआ करता था। अर्थ और मार्स के बीच में एक और प्लैनेट था, वो भी हैबिटेबल, जिसका मास और साइज ऑलमोस्ट मार्स के ही समान था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ, इतना बड़ा वो भी हैबिटेबल प्लैनेट हमारे प्लैनेटरी सिस्टम से ही गायब हो गया, जिसके बारे में आज हमें बहुत कम ही देखने या पढ़ने को मिलता है। तो दोस्तों, वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार वीडियो को पूरा जरूर देखें, और उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करेंगे। सहज टीवी के वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये घटना आज से 4.6 बिलियन साल पहले एक ऐसे स्टार में विस्फोट के साथ शुरू होता है जो कि हमारे सूरज से ज्यादा मैसिव और ब्राइट था। ज्यादा ब्राइट होने के कारण यह अपने कोर में मौजूद परमाणु ईंधन को जल्द खत्म कर लेता है, जिसके कारण इसके कोर पे एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ने से सुपरनोवा विस्फोट होता है, जिससे धूल और गर्म गैस के बादल यूनिवर्स के बड़े हिस्से में फैल जाते हैं। बाद में धूल और गर्म गैस के बादल आपस में मिलने से एक सोलर नेबुला का फॉर्मेशन होता है। लाखों सालों में ग्रेविटी और एंगुलर मोमेंटम के कारण यह बादल फ्लैट डिस्क में बदल जाता है और काफी तेजी से स्पिन करने लगता है। ग्रेविटेशनल पुल के कारण ज्यादातर ठोस मटेरियल इसके सेंटर में खींचे चले जाते हैं। डिस्क के सेंटर का टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि यहाँ कोई भी मटेरियल सॉलिड स्टेज में रहना पॉसिबल नहीं था। इसके सेंटर में पिघले हुए चट्टानों और मटेरियल्स के मॉलिक्यूल आपस में टकराने से एक प्रोटो स्टार का जन्म होता है। उसके कुछ लाखों सालों तक यही प्रोसेस चलता रहता है। टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज होने के कारण इसके कोर में मौजूद हाइड्रोजन में फ्यूजन शुरू होता है और इस तरह से एक जलता हुआ यंग स्टार का जन्म होता है। क्योंकि मैक्सिमम मटेरियल इसके डिस्क के सेंटर में मौजूद होने के कारण ही हमारे सूरज का मास हमारे सोलर सिस्टम के कुल मास का 99% से भी ज्यादा है। लेकिन दोस्तों, ये प्रोसेस सिर्फ इसके सेंटर में ही नहीं चल रही थी, बल्कि इसके सेंटर से दूर गर्म पिघले हुए चट्टानों के ड्रॉपलेट्स, जिन्हें कॉन्ड्रोस कहते हैं, आपस में टकराने से छोटे छोटे सेंटर ऑफ ग्रेविटी का निर्माण कर रही थी। याद रहे, हमारे सोलर सिस्टम के निर्माण में ये कॉन्ड्रोस ही है जो कि बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है। ग्रेविटी, डस्ट पार्टिकल और कॉन्ड्रोस आपस में टकराने से पहले एस्ट्रॉइड, फिर माउंटेन, फिर प्रोटोप्लैनेट्स का जन्म होता है। ज्यादातर सॉलिड मटेरियल डिस्क के सेंटर में मौजूद होने के कारण ही पहले के पांच प्लैनेट सॉलिड और रॉकी होते हैं, जैसे कि मर्कुरी, वीनस और अर्थ। डिस्क के सेंटर से दूर गैस ठंडा होकर गैस जायंट प्लैनेट का निर्माण करती है, जैसे कि जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस। ये सारे प्रोसेस कुछ सालों में नहीं बल्कि करोड़ों अरबों सालों में पूरा हुआ है। शुरुआत में सोलर सिस्टम में काफी उथल पुथल रहा होगा। नए ग्रहों के निर्माण के साथ साथ उन पर एस्ट्रॉइड की जैसे बारिशें हो रही होगी। फिर धीरे धीरे ये सब समय के साथ शांत हुआ होगा। पूरी सोलर सिस्टम में मर्कुरी, वीनस, अर्थ और मार्स एक जैसे प्लैनेट हैं, क्योंकि इनके पास कॉम्पैक्ट सॉलिड और रॉकी सरफेस है। इनमें से मर्कुरी और वीनस का कंपोजिशन एक दूसरे से काफी मिलता है। दोनों चट्टानों और मेटल के बने हैं। मर्कुरी वीनस की तुलना में 60-70% ज्यादा डेंस है। जबकि बात करें अर्थ और मार्स की, तो इनका कंपोजिशन एक दूसरे से काफी सिमिलर है, जिससे काफी लोगों को ये लगता है कि मार्स अर्थ से ही सेपरेट होकर एक अलग प्लैनेट बना है, जैसा कि हमारा मून। लेकिन दोस्तों, सिमिलर होने का यहाँ मतलब ये नहीं कि ये दोनों प्लैनेट बिल्कुल एक जैसे हैं। इनफैक्ट सिमिलर होने के साथ साथ इनका कॉम्पोजिशन एक दूसरे से काफी अलग है। जैसा कि अर्थ मार्स के कंपैरिजन में ज्यादा डेंस और कॉम्पैक्ट है। मार्स का वॉल्यूम अर्थ के मुकाबले में 15 और मार्स 11% ही है। अगर बात करें ग्रेविटी की, तो इसका ग्रेविटी 38% ही है अर्थ के तुलना में, जो कि ये इंडिकेट करता है कि मार्स का कोर रीजन अर्थ के कंपैरिजन में ज्यादा लाइट एलिमेंट से बना है। लेकिन साइज में ये दोनों प्लैनेट छोटे और बड़े होने की वजह से ये डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन जब इनका कंपैरिजन वजन के साथ करते हैं तो ये फर्क हमें साफ दिखाई देने लगता है। अर्थ का 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का वजन 5.514 ग्राम है, जबकि मार्स का 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का वजन 3.93 ग्राम ही है। इसके अलावा काफी तलाश के बाद भी हमें ऐसा कोई फैक्ट तो दूर की बात है, ऐसा कोई हाइपोथेसिस भी हमें देखने या पढ़ने को नहीं मिला कि मार्स अर्थ से अलग होकर बना है। इनफैक्ट हमें ये पढ़ने को जरूर मिला है कि अर्थ और मार्स का फॉर्मेशन साइमल्टेनियसली, यानी एक साथ 4.6 बिलियन साल पहले जब हमारा सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ तभी हुआ है। शुरुआती दौर में जब अर्थ प्रोटोप्लैनेट हुआ करता था, इन टर्म ऑफ मास और साइज ये भी मास के ही समान था। उस वक्त मास हमारे सोलर सिस्टम का फोर्थ प्लैनेट ना होकर फिफ्थ प्लैनेट हुआ करता था। इन दोनों प्लैनेट के बीच में एक और भी प्लैनेट हुआ करता था,
जिसका जिक्र इस वीडियो का हम शुरुआत में ही कर चुके हैं, वो प्लैनेट था थैया। थैया और अर्थ दोनों प्लैनेट सेम पाथ में सन को ऑर्बिट कर रहे थे। दोनों के रोटेशनल स्पीड अलग होने के कारण ये एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और आपस में टकरा जाते हैं, जिससे ये दोनों प्लैनेट एक साथ इमर्ज हो जाते हैं। इस टक्कर के इम्पैक्ट से इनका कुछ हिस्सा अलग होकर ऑर्बिट करने लगता है। इस तरह हमारा मून वजूद में आता है। अर्थ की ग्रेविटी में मून की मौजूदगी से अर्थ का रोटेशनल और ऑर्बिटिंग स्पीड स्लो हो जाता है और अर्थ पहले से कहीं ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। आज अर्थ पर 24 आवर का एक दिन सिर्फ मून की वजह से ही पॉसिबल है। अगर बात करें मार्स की, तो इसका सरफेस आज से लगभग 100 मिलियन साल पहले ठंडा होकर लाइफ के लिए बिल्कुल सूटेबल हो चुका था। उस वक्त इस पर एटमॉस्फेयर होने के साथ साथ लिक्विड वाटर, रिवर और ओशियंस भी मौजूद थे। एक वक्त इस पर वो सारे कंडीशन मौजूद थे जो कि जीवन पनपने के लिए जरूरी है। वैज्ञानिकों को यहाँ पर नदियों के समान पैटर्न भी देखने को मिले हैं और नासा के कई मार्स मिशन और रोवर इस बात की पुष्टि भी करते हैं कि इस रेड प्लैनेट पर कभी लाइफ की शुरुआत हुई होगी। लेकिन दोस्तों, फिर ऐसा क्या हुआ कि मार्स पर लाइफ अर्थ की तरह फल फूल नहीं सकी? जानेंगे किसी और वीडियो में। आपको वीडियो और इन्फॉर्मेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। मिलते हैं किसी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।